फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 8 बज चुका है, आज थोड़ा लेट हो गया, जागे भी लेट से, और ऊपर से मेरा तुलसी जो ये भगवान का जो तुलसी मंच नहीं है वहाँ पर तुलसी पत्र सूख गया था, इसीलिए मेरा फ्रेंड का घर चले गए थे तुलसी पर लेने के लिए। मेरा फ्रेंड अकेली रहती है ना, उनका घर का उनका हस्बैंड बेटा सब निकल जाते हैं मार्केट, उनका दुकान है मार्केट में, तो इसीलिए के लिए है। थोड़ा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत दिन से नहीं गए इसीलिए बैठ जाइए। थोड़ा बैठे नहीं है, हम नहा करके गए थे, खड़े थे, फिर उनका घर से तुलसी पेड़ ला के तुलसी मंच में लगाए, फिर पूजा करते करते 8 बज गया। जा रहे हैं नाश्ता बनाएंगे, देखिए कितना सुंदर तुलसी पेड़ लाए हैं छोटा सा। घर से तुलसी पेड़ ला के लगा करके फिर पूजा करें, उसका बाद जा रहे हैं नाश्ता वास्ता बनाएंगे। इतना सुंदर मेरा जो तुलसी पेड़ था पूरा सूख गया था, इसीलिए नया तुलसी पेड़ ला के लगाए। प्याज फ्राई हो गया, मसाला दे रहे हैं, सोयाबीन का सब्जी बनाएंगे। मसाला फ्राई हो गया, आलू को पहले से फ्राई करके रखे थे, नाश्ता हो गया, नाश्ता करके बर्तन धो रहे हैं, आज थोड़ा किचन साफ करेंगे, इसीलिए ना आज चावल नहीं बनाएंगे, गोटा मूंग को फ्राई करके चावल में देके नारियल में देके वही बना लेंगे आलू चटनी। और सुबह का तो सब्जी है सोयाबीन आलू का सब्जी रोटी, आज चावल और नहीं बनाएंगे, लेट होता है, उसी में किचन साफ करेंगे करेंगे बोल के किचन भी साफ नहीं कर पाते हैं, अभी करेंगे, जा रहे हैं किचन साफ करेंगे बोल के आज चावल नहीं बनाएंगे, आप लोग को बोल चुके हैं, इसीलिए मूंग को उबाल में फ्राई करके और उसमें नारियल देंगे और चावल देंगे, उसमें बनाएंगे मूंग सीजा बोलते हैं हम लोग, उसको बनाएंगे और हम फिर हम किचन साफ करेंगे। रोटी और सोयाबीन सब्जी है, चावल बनाने से टाइम लगता है, साफ नहीं कर सक रहे, किचन पूरा खिचखिची लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए छोटा मूंग को फ्राई करके उसका हल्का उबाल लिए हैं और इसमें चावल और नारियल करके सब दे दिए हैं, नमक दिए हैं, मीठा नहीं दिए हैं, इसको बनाने का बाद हम ना किचन साफा करेंगे, पहले गैस साफ कर लेंगे फिर किचन साफ करेंगे। हम बना लिए जो बनाना है लंच के लिए, जो बनाना था बना लिए, इतना जो कोई ये टिप का नहीं बनाए हैं, मतलब कड़ी हुई भुंजिया फ्राई ऐसे कुछ नहीं किया, सिंपल खाना बना दिए, फिर क्योंकि किचन साफ करेंगे बोल के किचन जा रहे हैं साफ करेंगे, अभी किचन का जो खाना वाना बनाना जितना बनाना था वो बना लिए, किचन साफ कर रहे हैं, इधर करेंगे दुर्गा पूजा करते हैं, पूरा जार सब खोल खोल के साफ करते हैं, अभी खोलेंगे नहीं ऊपर से करेंगे, इतना कचरा खाली ऊपर में ही, जो हम लोग तो चिमनी नहीं लगाए ना, इसीलिए फैन लगाए हैं, ये वाला फैन का हवा जो निकलता है तभी भी उससे मतलब कचरा होता है, ऐसा बात नहीं है। Thank you.
से लेके उधर तक अभी नीचे सफाई करेंगे, नीचे बहुत किचकिची है। करते करते अभी दो डेढ़ दो बजेगा शायद, इधर पूरा सफाई कर दिए हैं। रात को आलू पराठा बनाएंगे, प्याज काट रहे हैं, लहसुन आदि अदरक छुड़ा दिए हैं, धनिया पत्ता बेटी नहीं खाती है, पहली बार मंजूर किया है दीजिए आलू में, वो उसको धनिया पत्ता देने से वो नहीं खाता है, पहली बार मिला रहे हैं। हम बोले होटल में जब देता है तुम खाता ना नहीं, बोलता चुन चुन के खाता है, मतलब यहाँ भी चुन चुन के खाओ, तो हाँ बोला हाँ यहाँ भी चुन चुन के खाएंगे, इसलिए धनिया पत्ता नहीं, धनिया पत्ता डालेंगे, पहले जो आलू पराठा बनाते थे नहीं डालते थे। अभी हर मिर्चा काट रहे हैं, आलू उबाल लिए कुकर में, धनिया पत्ता कट लिए, हरी मिर्चा और लहसुन अदरक और प्याज सब कट के तैयार कर लिए। अभी आलू को थोड़ा मसल लेंगे, थोड़ा धनिया और जीरा फ्राई करके इसको पाउडर बनाएंगे, सीख में पीस के थोड़ा सा। हम आलू मसाला बना दिए, बेटी आलू पराठा बना रही, बहुत अच्छा बनाती है, मेरे से भी अच्छा बनाती है। ये देखिए बना करके तैयार हो गया आलू पराठा, अभी बना रही है। हम तो यही झारखंड बिहार में आके सीखे हैं, हम छोटा से मेरे को पता नहीं, वो तो आज साल भर हो गया, साल दो साल हो गया सीख गया, हम आधा उम्र में सीखे, वो कमती उम्र में सीखी, क्योंकि गांव का तरफ इतना हम लोग का ना रोटी पराठा, आजकल सुबह शाम रोटी सुबह नहीं खाता, शाम को खाता है आदमी, मतलब शाम को मतलब रात को, लेकिन आज यहाँ पर तो हम लोग सुबह शाम दोपहर को भी बच्चा लोग को बहुत अच्छा लगता है, बच्चा लोग, मेरा बच्चा लोग तो रोटी पराठा खा के जी जाएगा, हमको नहीं, हमको एक टाइम चावल खाने मन करता है। आलू पराठा बनके तैयार हो गया, दिन का सोयाबीन का सब्जी था, आलू पराठा में अचार ही ठीक लगता है, लेकिन सोयाबीन का थोड़ा सब्जी था, इसलिए बच्चे लोग को थोड़ा थोड़ा दे दिए। डिनर करके बर्तन धो लिए हैं, आज का काम खत्म, आज का ब्लॉग भी यहीं करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, गुड नाइट, बाय।